नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। भिलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के बाद एक युवक के साथ मारपीट कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया, जिसमें पहले तो युवक को शराब पार्टी के नाम पर बुलाया गया और फिर तीन बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की और बाद में उसे छोड़ने के बदले करीब 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी और बाद में उसे एक सुनसान रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद घायल को भिलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी के लिए पुनीत चपलोत की ये रिपोर्ट। जी बताइए क्या हुआ। कल 3:30 के करीब पेट्रोल पंप अजमेर चौराहा, इसके वहां पे मैं खड़ा था, उसके वहां से मुरली गुजर आया जो मेरा पहले का परिचय था थोड़ा। उससे कहा आज दारू वारू पीते हैं, तो दारू लिया, बिठाया गाड़ी में, उसने पिया, मेरे को भी पिलाया जबरदस्ती। यहाँ से लेके सुखाड़िया सर्कल के यहाँ से घुमा रहा था। पीने के बाद उसने मारना चालू किया, मार के इधर उधर घुमा के, फिर मार के मेरे को कह कि घर पे फोन कर 1 लाख रुपए के लिए। मैं ना ना करता रहा, वो मारता रहा, फिर आके मेरे को फोन करना ही पड़ा। घर पे फोन किया मैंने, मैंने कहा 1 लाख रुपए दो। उसके बाद 6-7 बजे तक वो मारता ही रहा, 3:30 से लेकर 6-7 बजे तक गाड़ी में घुमा के मार रहा था। उसके साथ दो अन्य थे, पैसे लिए घर से, उसके बाद मेरे को मंगल पांडे के इधर फेंक दिया। डंडे डंडे कहाँ ले जाके मारा? गाड़ी के अंदर ही था ना। कहाँ मारपीट की? गाड़ी के अंदर ही मारपीट करते गए, गाड़ी में ही थपड़ा था डंडा। जो अन्य दो लोग थे, वो गाड़ी चला रहा था, एक थोड़ा बीच बीच में मारा था, भाई गाड़ी चला रहा था, एक पास में बैठा था। नहीं मैं नहीं जानता हूँ, सीसी कैमरे में एक जो पैसे लेने आया उसका है मेरे पास। अब आप क्या चाहते हो? कार्रवाई चाहता हूँ सर। मुकदमा दर्ज करा, बोलो मुकदमा दर्ज करा। मुकदमा दर्ज करा दिया ना। क्या नाम था? इंद्र कुमार सकरानी, केवल राम सकरानी। हेलो।